राम राम सभी भाइयों को, जय जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मैं आपका आरजे ब्रजवासी, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को हाथ जोड़कर नमस्कार और सभी भाइयों को दिल से सलाम सलूट है मेरा। तो भाई हम आज बात करेंगे आगरा कुंडला एतवाद पर वाले मुद्दे पर। तो भाई देखो, जो महापुरुष होते हैं वो सभी समाज के होते हैं, और किसी भी समाज से हो वो महापुरुष सभी समाज के माने जाते हैं। और सभी समाज के महापुरुष पूजनीय होते हैं, चाहे वो भीमराव, बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, महाराणा प्रताप हो, या जो जाट समाज से हैं, राजा बच्चू सिंह हैं, जो भी महापुरुष हैं हमारे अहिल्या भाई यशवंत राव, उन पर बहुत सारे हैं, तो मना रहा हूँ उन पर। तो भाई सभी महापुरुषों को, पहले तो 7000 के महापुरुषों को प्रणाम करना चाहता हूँ, और सभी को सलूट है ऐसे महापुरुषों के लिए जिन्होंने भारत के लिए बहुत से योगदान दिए, बहुत कुछ किया जिन्होंने भारत के लिए। तो भाई कुछ तत्व तो ऐसे हैं ये कह लो कि कुछ समाज के अंदर कुछ लोग घटिया, जिसको घटिया बोलते हैं, इनको घटिया लोग पैदा हो चुके हैं, ठीक है, जिनको काम धंधा है नहीं, समाज को आपस में भिड़वाना, गंदी राजनीति करना, अपने भाइयों का खून बहाना, ये उनका काम पैसा रह गया। तो भाई देखो, 36 बिरादरी, 7000 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सारे भाइयों से मिलकर चलते हैं, आल बबील गढ़िया समाज सारे भाइयों से मिलकर चलती है, और किसी भी समाज से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम किसी समाज के महापुरुषों के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, ना किसी के बारे में हम गलत बोलते हैं। हमें किसी महापुरुष का या किसी समाज के महापुरुष का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। जिन महापुरुषों ने देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारी जो अपनी जो भूमि है, हमारे महापुरुषों की धरती माँ बोलते हैं इसे, उस धरती माँ के लिए, देश के लिए कुछ भी किया है, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उन्हें अपमानित करें या अभद्र टिप्पणी करें, गलत भाषा का प्रयोग करें। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुत्ते, साले, दल्ले, भाई थोड़ा हो जाता है यार, क्या करें। जब हम किसी के बारे में नहीं बोलते ना, तो हमारे समाज के, हमारे महापुरुषों के बारे में बोलते हैं मादर छोड़, क्या फ़ायदा यार। फिर बोलते हैं गलत बोल रहे हैं, कोई धमकी देता है, कोई बोलता है FIR करा दें, कोई कुछ भी कराओ यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, समाज के बारे में बोलेगा मौके में। तो भाई बात यह है, देखो हमारे किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई जातिवाद दुश्मनी नहीं, हम किसी के बीच में बोलते नहीं। तो हमारे बीच में, हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारी जो राजमाता अहिल्या बाई, देवी अहिल्या बाई हैं, क्या नहीं किया यार उन्होंने, 12000 कुछ मंदिर बनवाए, हरिद्वार, काशी, विश्वनाथ, क्या नहीं किया उन्होंने। तो टूटला वाला जो मैटर बना, मूर्ति नहीं लगने दी, क्या हुआ। और फिर एक महापंचायत करके तुम लोग क्या, मतलब डराने का कार्य कर रहे हो क्या भाई।
एक महापंचायत कर गए, तुम क्या डराने को कार्य कर रहे हो? और गलत, पहली बात तो तुम कानून का उल्लंघन कर रहे हो, धारा 144 लगने के बावजूद भी तुम्हारी वहाँ पंचायत होती है, कोई बात नहीं। हमारा 24 घंटे के अंदर ऐलान होता है और 24 घंटे के अंदर 10,000 बंदे होते हैं वहाँ पर, हमारी पंचायत, हम महापंचायत नहीं बोलेंगे उसको, हम उसे महापंचायत नहीं बोलेंगे कि हमारी महापंचायत हुई, हमने महापंचायत करी वहाँ पे, बहुत महापंचायत नहीं है भाई, 24 घंटे का ऐलान हमारा कोई महापंचायत नहीं होती। 2-3 दिन का अगर ऐलान होता ना, 2 दिन का भी, तो भाई वो हजारों की संख्या लाखों में होती, हजारों की संख्या लाखों में होती भाई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन भाइयों को, हाथ जोड़ के, अपने समाज के, बगल समाज के जितने भी भाई हैं जो वहाँ पहुँचे, अपना टाइम दिया, और सारे भाई, जीतू भाई हैं अपने, राकेश भाई जी हैं बड़े, बहुत मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जिन्होंने। तो भाई मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ अपने बगल समाज के, जो अभी नहीं जाग रहे हैं भाई, जाग जाओ, आपके पास अभी भी वक्त है, आवाज़ दो, आवाज़ दो, हम सब एक हैं। और ये नहीं कि हम अपना, अपने 36 बरादरी के भाईचारे को साथ लेकर चलो, किसी के बारे में गलत टिप्पणी मत करो भाई, और मत गलत सहन करो, वो चाहे किसी भी समाज से हो भाई, हमारे बारे हमें पूरी समाज से कोई लेना देना नहीं है किसी से। अगर एक आदमी गलत है, वो चाहे हमारी समाज में हो चाहे किसी की समाज में हो, उसकी गांड पे मारो, क्लियर में भाई, कोई भी हो, किसी भी समाज को या किसी भी समाज के महापुरुषों को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है पूरी समाज को। पूरी समाज में तो ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं हर समाज में जो गांड पे लात मार के भगा देंगे, जो बात भोसड़ी के आंधी है, पूरी समाज को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है किसी को, चाहे वो कोई भी समाज हो, गाली देनी है तो भाई इतना भी वो नहीं है, ठीक है।